बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जिंदगी ऐसे मत जियो कि कोई फरियाद कर जाए, जिंदगी ऐसे मत जियो कि कोई फरियाद कर जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि हर कोई याद कर जाए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर जी के ट्रिक में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मापन चैप्टर से जो भी होते हैं मूल राशि और मूल मात्रक क्या होते हैं। सात मूल राशि होती है और सात मूल मात्रक होते हैं। अगर आप ये सातों पढ़ लिए तो जान लीजिए जो मात्रक होता है फिजिक्स का आपको सारा समझ में आ जाएगा। और आज बताएंगे आज के वीडियो में कि कैसे निकाला जाएगा कोई लिखा जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये सब सबका मात्रक आज निकालना आपको सिखाएंगे। आज की वीडियो जो है इंटरेस्टेड होने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ हम मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में। यहाँ देखिए पहले जो राशि है, अच्छा राशि क्या है अगर समझे तो कोई पदार्थ है। क्या है भैया? कोई पदार्थ। और मात्रक क्या होता है? जैसे लास्ट में ये देखिए कोई लास्ट में लिखा हो, जैसे कह दिए आप 10, तो 10 क्या है भाई? 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम रुपए लिख दिए तो आप जान गए पैसा है। यहाँ 10 केजी लिख दिए, किलोग्राम लिख दिए, तो आप जान गए कुछ ऐसा चीज है जो तौलने वाला चीज है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखते हैं अब हम सात मूल राशि। और चलिए दोस्तों आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है मापन मेजरमेंट है। इसमें देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मूल राशि के बारे में पढ़ेंगे, मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अधिकतर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि किसी भी चीज का जो मात्रक होता है, मान लीजिए वो लिख देते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में मात्रक नहीं लिख पाते। क्या नहीं लिख पाते? मात्रक। और मात्रक नहीं लिख पाते या नहीं जानते उतना अच्छे से तो उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता है भैया? मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। ये देखिए लंबाई, मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए तो क्या कहते हैं कि इतना किलोग्राम दे दीजिए? नहीं कहते ना। क्या कहते हैं आप? इतना मीटर हमको कपड़ा चाहिए। इसका मतलब जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान है, मान लीजिए आलू टमाटर कुछ भी आप खरीदते हैं तो कहते हैं इतना मीटर भैया टमाटर दे दीजिए, ऐसा नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? इतना किलोग्राम कहते हैं। यार ये आप लोग ये बताइए कि जब कहते नहीं हो तो क्वेश्चन पेपर में टिक क्यों ऐसा करके चले आते हो आप लोग, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ समय। समय का जो मात्रक होता है क्या होता है? सेकंड। अब देखिए जब समय की बात आए तो समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। समय की बात आए, समय किस में देखते हैं भैया? घड़ी में देखते हैं। जब घड़ी आपके दिमाग में आ गई तो क्या है, कौन सी सुई है जो घड़ी की सबसे तेज चलती है? कौन सी सुई है? सेकंड वाली सुई है ना। इसलिए क्या हो जाएगा समय का मात्रक? सेकंड हो जाएगा। ये आपको एक तरीका बताया जा रहा है याद करने का ना, रटिए मत आप लोग। यहाँ देखिए तापमान जो है, जो तापमान होता है वो उसका जो मात्रक होता है केल्विन होता है, या उसी का डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, ये होता है, ठीक ना। विद्युत धारा का मात्रक देखिए एम्पियर होता है। ये देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर धारा को किससे दिखाते हैं? आप पढ़े होंगे आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया? आई से। और आप इसी में ऐड कर लीजिए आई ए। क्या कह दीजिए किसी को आप बुला रहे हैं, कह दीजिए आई ए। क्या कह रहे हैं? आई ए। ये देखिए यहाँ ए मिल रहा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अच्छा ज्योति तीव्रता की बात कर ले थोड़ा, कि ज्योति तीव्रता क्या है। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है क्या है? तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। ये देखिए ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। कोई चीज जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश। ज्योति जलाएंगे तो प्रकाश होगा, और प्रकाश करने के लिए क्या करेंगे हम? कैंडल ले लेंगे। कैंडल से ही बना है ये देखिए कैंडेला, ठीक ना। कुछ कैंडल ली जाती है, एक निश्चित एरिया में जलाया जाता है, वो मात्रक बनाया गया, ठीक ना। तो कैंडेला का मतलब कैंडल से आप याद कर लेंगे। कैंडल का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती, वो जलाते, ठीक ना। पदार्थ की आणविक मात्रा देखिए, ये कैसे याद करेंगे हम? पदार्थ की आणविक मात्रा, तो जब भी आपसे ये केमिस्ट्री में मापा जाता है कोई घोल वगैरह होता है, तो ये देखिए पदार्थ की जो आणविक मात्रा है मोल होता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे छछुंदर की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? मोल होती है, ठीक ना। चलिए दोस्तों इन सात के अलावा जो होते हैं पूरक राशि और उनके मात्रक जो होते हैं, ये देखिए कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? कोण का मात्रक रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शन के रूप में पूछा जाता है, ठीक ना।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। अच्छा व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? वही जो मूल राशियों से उत्पन्न जो राशि होती है वो क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। और जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक से जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। उत्पन्न शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब पैदा होना एक हिसाब से, उसी से क्या होंगे वो फार्मूले से आएंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, रटन नहीं देखिए, आपको बता रहे हैं कैसे होता है मूल राशि और मूल मात्रक से, कैसे मूल मात्रकों से कैसे लिखा जाता है। क्षेत्रफल है इसका देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है जो फार्मूला होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होगा, और चौड़ाई का जो मात्रक होगा वो भी तो मीटर होगा भैया, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर बोलते हैं। चलिए देखिए आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का क्या मात्रक होगा, मीटर होगा, और ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। ये देखिए मान लीजिए, ये देखिए ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, ऐसे कर दिए, मान लीजिए ये देखिए लंबाई है, ऐसे कर दिए चौड़ाई हो गई, ऊंचाई क्या है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे खड़ा है खंभा वगैरह, ठीक ना। यहाँ देखेंगे मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर की घात क्या हो जाएगी, तीन। इसी को क्या बोलते हैं, घन मीटर बोलते हैं। यहाँ चाल या वेग, देखिए गति वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताएंगे चाल और वेग में अंतर क्या है, लगता तो एक ही तरह है लेकिन इसमें मेन डिफरेंस बताएंगे गति वाले चैप्टर में, ठीक ना। यहाँ देखिए दूरी का जो मात्रक होगा मीटर हो जाएगा, और देखिए जहां बटे लगा रहता है वहां क्या लगाते हैं, प्रति, क्या लगाते हैं भैया, प्रति। और समय का जो मात्रक होता है क्या होता है भैया, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जो इसका मात्रक होगा चाल या वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा त्वरण की बात कर ले, वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन देखिए वेग, वेग का मात्रक क्या निकाले हम, मीटर प्रति सेकेंड, क्या निकाले हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और समय का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा, ये देखिए इसका इससे गुणा होता है इसका इससे, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसका, त्वरण का मात्रक। यहाँ संवेग की बात कर लें, किसकी बात कर लें, संवेग की बात, इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या होगा, देखिए द्रव्यमान का मात्रक, देखिए वही सातों से बन रहे हैं, ठीक ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और देखिए गुणा लगा रहता है ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना, किलोग्राम। यहाँ देखिए वेग का जो मात्रक होता है क्या है, अभी निकाले, मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं राशियां कौन कौन सी राशियां होती हैं, जो अदिश राशियां हैं और सदिश राशियों के बारे में हम समझेंगे। देखिए जैसे कि इसमें ही देखिए छिपा है अदिश, इसको तोड़िए, अदिश यानी आ का मतलब ना होना, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण, ठीक ना। परिमाण का मतलब क्या होता है, एक वजन वगैरह ये सब हम समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ जैसे पदार्थ है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, वही क्या होता है, परिमाण, ठीक ना। दूरी देखिए, दूरी आपको कहीं कितनी दूर जाना है कोई ये पता नहीं रहता कि किस दिशा में हम जाएं, ठीक ना, चाहे जिधर आप गोल गोल घूमिए तब भी क्या होगी, ये काउंट करेंगे तो दूरी आएगी कुछ ना कुछ मीटर किलोमीटर जो भी। तो समय का जो मात्रक होगा, ये देखिए समय भी है, क्या है, अदिश, इससे भी कोई दिशा से मतलब नहीं है। कार्य कर रहे हैं आप, देखिए खेतों में आप काम कर रहे हैं तो कोई दिशा से मतलब है नहीं, चाहे इधर फावड़ा लेकर जुटे पड़े हैं आप, ठीक ना। ये देखिए चाल से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है दिशा से, ये देखिए, और देखिए ऊर्जा भी है, शक्ति है, सामर्थ्य आदि है। यहाँ देखेंगे सदिश, लेकिन इसमें क्या होता है, दिशा का होना क्या होता है भैया, दिशा का होना, दिशा सहित, सा से क्या हो जाएगा, दिशा सहित, यानी कि दिशा का होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। जैसे देखिए विस्थापन, आप देखिए विस्थापित, कोई वस्तु विस्थापित कर रहे हैं यहां से यहां, आपसे एक इंसान ये क्वेश्चन जरूर करेगा कि किस दिशा में विस्थापित हुई ये वस्तु, ठीक ना। और वेग भी वही है, त्वरण भी, बल, देखिए बल लगा रहे हैं आप, तो कहते हैं भाई मान लीजिए आपका ट्रैक्टर फंस गया खेत में, तो करते क्या है आप, चले गए चाहे जिधर बल लगा दिए भैया,
मान लीजिए वो नहर में फंसा, उसी साइड में धकेल दिए, नहर में चला गया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना। एक दिशा, आपसे कोई कहेगा क्वेश्चन तो आप उससे ये क्वेश्चन जरूर करोगे किस दिशा में भाई बल लगाए, आप दिशा पूछोगे, एक क्वेश्चन करोगे उस व्यक्ति से, ठीक ना। और संवेग भी वही है, बल आघूर्ण भी है, इत्यादि ये सब वगैरह वगैरह। अच्छा अपवाद की बात करते हैं, मान लीजिए आप इतना तो पढ़े हैं लेकिन एग्जाम में जो आता है विद्युत धारा, आप कहते हो यार धारा तो है दिशा में तो चलती है, धारा क्या है दिशा में तो चलती है, लेकिन है क्या रीजन ये, देखिए विद्युत धारा है, ताप है, दाब है, ये सब क्या है अपवाद में है, यानी कि सदिश नहीं है, क्या है ये अदिश है, क्या है अदिश। अच्छा अदिश होने का कारण क्या है, क्या कारण है कि ये सदिश के योग नियमों का जो पालन है वो नहीं करती, ठीक ना। अभी आप अगर 11th में आप पढ़े होंगे तो ये देखिए वेक्टर और स्केलर होता है, वो होता है वेक्टर जो तीर लगा के लिखते हैं, आई जे के वगैरह ये सब, ठीक ना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।